ए इसे मर जाएगी, ए मर जाएगी, ए मर जाएगी। अच्छा भाई, ए ए ए 1000 रुपए दो। क्यों लगा दिया? सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ से एक रैली को संबोधित करके वापस आ रहे थे। रास्ते में अचानक सपा समर्थकों का एक ग्रुप अखिलेश यादव से मिलने के लिए सड़कों पर आ गया। क्या जवान, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सब ने अखिलेश के काफिले को घेर लिया। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने देखा कि एक महिला एक बच्चे को गोद में लेकर उनकी एक झलक पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। अखिलेश तुरंत गाड़ी से बाहर निकले और उस महिला को समझाने लगे और अपने बॉडीगार्ड को हिदायत दी कि महिला और बच्चे के लिए जगह बना दें। इतना ही नहीं, इस वीडियो में अखिलेश उस महिला को कुछ पैसे देने की भी बात करते सुनाई दे रहे हैं। इसे मर जाएगी, ये मर जाएगी, ये मर जाएगी, ये मर जाएगी बेचारी। अच्छा भाई, ए ए ए 1000 रुपए दो। इसको क्यों लगा दिया? इतना ही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जगह जगह लोग अखिलेश को देखने के लिए जमा हो गए और बार बार अखिलेश अपने काफिले को रोककर लोगों से बात करते रहे। अखिलेश यादव से जब हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। योगी आदित्यनाथ सरकार हो या अखिलेश सरकार रही हो, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देखा गया और अखिलेश यादव का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर अखिलेश जी, हम इस रोड पर चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, सबसे पहला रिव्यू तो मैं आपसे लूंगा कि क्या आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सेटिस्फाइड है? ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था जिसका नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किया गया, शिलान्यास के बाद शिलान्यास हुआ और अब इसके उद्घाटन की तैयारी है। जिस क्वालिटी के साथ ये बनना चाहिए था उन पैरामीटर्स पे ये नहीं बना है। मुझे याद है जिस समय आखिरी वक्त था समाजवादी पार्टी की सरकार का, उस समय टेंडर हुआ था, LOI इसलिए नहीं इशू कर पाया था क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके थे, चुनाव आयोग से परमिशन आनी थी, चुनाव आयोग से जब परमिशन आई तो समय थोड़ा गुजर गया था, तो LOI इशू नहीं कर पाया था मैं। पूरा का पूरा अलाइनमेंट, पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन, ये आगरा लखनऊ से बेटर एक्सप्रेसवे डिजाइंड था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशंस बदले और जनता में झूठा प्रचार किया कि इस हाईवे को लेकर के भ्रष्टाचार है जिसकी लागत हम कम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक्सप्रेसवे डिजाइंड था वो स्पेसिफिकेशन सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जो मानक कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक ये कहते हैं कि जो मीडियन होना चाहिए एक्सप्रेसवे का वो 12 मीटर से लेकर 14 मीटर होना चाहिए, ये इन्होंने मीडियन कम कर दिया। जो इसकी क्वालिटी थी सड़क की, जो राइडिंग क्वालिटी थी वो कट डाउन हो गई। ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन शीट्स लगाई जाएंगी जो पानी बहने पर मिट्टी को ना काटे, वो सिलिकॉन शीट्स नहीं दिख रही। आजमगढ़ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।